ओडिशा में कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा पीएम नहीं बनने पाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब पीएम उनके बारे में बुरा बोलते हैं तो वो उनके दिल में आता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाने। राहुल ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करते। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अंडर द इंप्रेशन दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड दैट इज द बिग डिफरेंस। सो आवर्स इज अ डायनामिक प्रोसेस। व्हेन वी रन अ स्टेट वी लिसन टू पीपल। मे बी ही इज वेरी अपसेट, वी विल गो एंड से टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई यू अपसेट, ओके यू आर अपसेट, लेट्स ट्राई एंड फिक्स इट। दैट फीडबैक लूप इज नॉट देयर इन द बीजेडी एंड द बीजेपी। दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। ओडिशा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी जैसे ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर राहुल की तस्वीर ले रहे एक फोटोग्राफर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े और इसके बाद राहुल दौड़कर सीढ़ियों के पास गए और सहारा देकर उस फोटोग्राफर को उठाया। इस दौरान राहुल ने फोटोग्राफर का हालचाल भी जाना। तस्वीरें देखिए जरा गौर से कि एक फोटोग्राफर राहुल गांधी जिस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे वो तस्वीरें ले रहा था और तस्वीरें लेने में वो फोटोग्राफर इस तरीके से गुम हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि पीछे एक स्टेप है क्योंकि राहुल गांधी वहीं से आगे आ रहे थे और वो उन्हीं की तरफ चेहरा किए हुए था। पीछे सीढ़ियां हैं इसका अंदाज़ा उस फोटोग्राफर को नहीं हुआ और वो तस्वीर लेते लेते सीधा नीचे गिर गया। लेकिन राहुल गांधी तुरंत से भागे उस फोटोग्राफर उसके पास फोटोग्राफर के पास और उसके बाद उसको वहाँ से उठाया, उसका हाल चाल पूछा।